सो गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। सो अभी आज का ब्लॉग, सैटरडे का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सारा चीज करते हैं। क्या साफ सफाई देख सकते हो, रूम का क्या हाल है, पूरा गंदगी चारों साइड से। तो अब इसको पहले सब चीज अरेंज करते हैं अच्छे तरीके से, और अरेंज करने के बाद फिर कपड़ा वपड़ा भी धोना पड़ेगा या नीचे जाके वॉशिंग मशीन में डाल आएंगे। दो काम से एक काम करेंगे, फर्स्ट चीज़, सेकेंड चीज़ एंड थर्ड चीज़, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, सारा चीज़ करना है जल्दी से, क्योंकि पिछला सैटरडे को मेरा पूरा सैटरडे ख़राब चला गया था, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था 12 बजे के बाद, नहीं आया था। हम सोचे थे कि पूरा सैटरडे को आता, यही हल्ला था, तो आता भी था एक दो सैटरडे को, तो पता नहीं, तो फिर अभी क्या हुआ अचानक से, पता नहीं, तो नहीं आया था, तो इसके वजह से दिक्कत आ गई। तो फिर अभी 12 बजे से पहले मुझे जल्दी नहा लेना, बस खाना बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, नहा लेंगे, टेंशन फ्री रहेगा। और गाइस मेरा बाल उड़ रहा है, किसी को कोई आइडिया, कुछ बताओ, ना उड़े बाल तो अब देखते हैं, हो सके मे भी आज तो नहीं, कल परसों में दाढ़ी भी थोड़ा सेट करवा लेंगे, नहीं तो सोच रहे थोड़ा बढ़ाने देखे कि बढ़ा लेते हैं। अब करते हैं रूम का साफ सफाई। तो साफ हो गया। सो गाइस फाइनली नहा धो के तैयार, और अब बनाएंगे, आपको दिखाएंगे पालक खिचड़ी कैसे बनाते हैं। यहाँ इंडिया में तो देखे होंगे आपने कि कैसे बनाते हैं, बट यहाँ पे रेयरली पालक मिलता है, और इट थोड़ा कॉस्टली भी यहाँ पे मिलता है पालक, तो दिखाते क्या, क्योंकि पालक मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 140 का, 240 ग्रेवियन, 240 यो चाहिए, 240 या समथिंग 260 का केजी पड़ता है यहाँ पे ग्रेवियन में। तो अभी इसको काटते हैं और दिखाते हैं, यहाँ का पालक भी थोड़ा टोटली डिफरेंट होता है, तो दिखाते हैं आपको यहाँ का, देख सकते हो पालक थोड़ा अजीब सा लगता है, अपने यहाँ का पालक पूरा पतला पतला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा पालक टोटली डिफरेंट होता है, देख सकते हो। और ये रहा यहाँ का मूली, और ये रही खिचड़ी के लिए चावल दाल, मूंग की दाल, और ये मसूर की दाल, और इधर आलू, और इधर टमाटर। अब इसमें सारी चीज़ को मिक्स करके इसमें डाल देना है, तो अभी सबको इधर मिक्स करके काटते हैं टाइम लैप्स में। फाइनली इसके अंदर डाल चुके हैं ये चावल दाल वगैरह, और आलू डाल सकते, देख सकते हो, और पालक भी देख सकते हो, सारा चीज डाला गया, और इसको अभी बस सिटी लगाएंगे इसमें सारा मसाला डाल के। सो गाइस खिचड़ी के साथ क्या था, पालक तो ज़्यादा पड़ ही गया था, लेकिन एक्स्ट्रा पालक बचे थे, तो मैं एक्स्ट्रा पालक का पकौड़ा बनाऊंगा, पकौड़ा लेकिन दूसरा स्टाइल का, पहले बचपन से दूसरा पकौड़ा देखते आए खाते आए, लेकिन बट आज दूसरा पकौड़ा बनाने वाला, प्लेन पकौड़ा, बस बेसन ही है और इधर पालक है, अभी देखिएगा कैसे करेंगे। सो गाइस बेसन में सबसे पहले नमक डाल देते हैं, फिर उसके बाद हरी मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च ही डाल देते हैं तीखापन के लिए थोड़ा सा, क्योंकि तीखा हमको अच्छा लगता है। और फिर हल्दी डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, और फिर थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, ये हो। तो गाइस देख सकते हो कितना मस्त बना है, क्रिस्पी टाइप का। तो गाइस आधा ये बना है, इसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये हेल्दी नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा एक पत्ता है, इतना तेल हो जाएगा, तो इसके वजह से काट के इसको प्याज को और सारा चीज मिला देंगे इसमें, उसके बाद वो गोल वाला बनाते ना पकौड़ी, वो वाला बनाते हैं, अभी दिखाते हैं टाइम लैप्स। Thank you.
तो गाइस ये रिव्यू का टाइम है, बताते हैं खा के कैसा लग रहा है। मस्त लग रहा है गाइस, लेकिन बट मेरे को लगा कि ज़्यादा तेल वाला हो जाएगा, इसी की वजह से ये वाला छोड़ के पकौड़ा मैं वो पकौड़ा बना रहा हूँ। बहुत अच्छा मस्त बना बना के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। अगर हेल्थ इश्यू नहीं सोचते तो, तेल वाला अवॉइड करना चाहते तो, तेल वाला नहीं अवॉइड करना चाहते तब ये खा सकते हो, बेस्ट बना है। खिचड़ी इधर तैयार हो गया, अब इधर तड़का के लिए तैयार कर रहे हैं मसाला। तो फिर देख सकते प्याज लहसुन सारा तड़का तैयार हो गया, उसमें थोड़ा थोड़ा मसाला मिला लेना है, और थोड़ा थोड़ा मसाला मिलाने के बाद पूरा खिचड़ी बना। तो मैं पूरा तड़का तैयार हो गया और अब डालेंगे, देखो पूरा लाल हो गया पूरा तड़का, अब इसमें खिचड़ी डाल देते हैं। सो गाइस फाइनली खिचड़ी तैयार हो गया, देख सकते हैं ये बर्तन पूरा खाली हो गया और इसमें इतना भर के खिचड़ी हो गया। हम सोचे थोड़ा सा ही खिचड़ी बनाएंगे लेकिन ज़्यादा खिचड़ी हो गई, कभी हर बार हमसे ज़्यादा खिचड़ी बन जाता है पता नहीं क्यों। लेकिन ये बताओ कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है क्या फ्लेवर देखने में। ये एक तो ये हेल्दी भी हो गया क्योंकि इसको हम बहुत कम फ्लेम पर पकाए थे, और कम फ्लेम पर पकाने के बाद क्या इसमें तड़का मस्त सा लगा, बस थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ गया होगा और नहीं तो कुछ नहीं। ये खिचड़ी हेल्दी भी हो गया क्योंकि सारा चीज़ दाल डाले थे, चावल तो बहुत कम डाले थे, फिर उसके बाद पालक डाले, फिर सब्जी डाले और मिक्स वेज भी था, लेकिन मिक्स वेज सोचे नहीं डालते, मिक्स वेज डालेंगे बिना पालक का क्योंकि फिर एक ही साथ सारा डाल देंगे तो फिर इसका पालक का फ्लेवर ही नहीं आएगा। देख सकते हो पूरा खिचड़ी तैयार पालक की। सो गाइस फाइनली मेरा लंच बहुत देरी के बाद कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा आज तो छुट्टी था, सोचे हम भी बनाते हैं थोड़ा सा, पालक को मिसयूज़ नहीं करना था, मतलब सोचे थे कि छोड़ देंगे ना, जैसे पालक पराठा वगैरह बनाते ना तो क्या होता कल तक ख़राब हो जाता अगर वो बनाने के चक्कर में रहते, तो इसी वजह पालक का सारा आज ही यूज़ कर लिया एक ही दिन में, क्योंकि लगा कि फिर रखा रखा गल जाएगा सड़ जाएगा फिर उसके बाद और घिन सा लगेगा, मतलब उससे मन नहीं लगेगा कुछ अच्छा नहीं लगेगा बनाने में, इसी वजह से खिचड़ी में डाल के। अब बताओ टेस्ट कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके मस्त लगा क्या नहीं। सो गाइस लाइव सेशन ख़त्म हुआ, लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद अब करते हैं नाश्ता, इवनिंग स्नैक्स जो सीनियर देके गई थी। गाइस अभी इवनिंग स्नैक्स में पोहा बनाई थी सीनियर, सीनियर ने पोहा देके गई, तो अभी चलो इसको स्नैक्स में कंप्लीट करते हैं शाम के समय। गाइस अभी का टाइम हो रहा है 7 और लग नहीं रहा होगा कि 7 बज गया है, 7 बजे ये शाम का समय 7 बज रहा है और पूरा लग रहा है कि अभी सुबह सुबह हुआ है, एकदम ऐसा फील आ रहा है, मतलब मस्त सा मौसम किया हुआ है, मतलब नेचर का एक अलग ही देन है, मतलब क्या क्योंकि जब तुम्हें नेचर से प्यार या नेचर से पसंद, मतलब एक प्राकृतिक से लगाव हो जाएगी ना तो फिर तुम्हें बहुत ही मतलब मस्त लगे। जैसे अभी देखो मौसम कितना मस्त किया हुआ है, ये शाम का समय है बट ये क्या लग रहा है कि सुबह का समय लग रहा है एकदम, और पूरा फ्रेश चिल्ड ना कोई। गाइस कंटेंट के चक्कर में मैं थोड़ा सा रिस्क लेने जा रहा हूँ, देखता हूँ रिस्क ले पाता हूँ कि नहीं, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको यहाँ पे कि मछली जो मारते हैं वो सब यहाँ पे, मतलब मछली मारना है ना कॉमन है, ये लोग का एक चीज़ अच्छा लगता है ना क्या कि कुछ भी करेंगे पता है, लेकिन ये लोग बैठ के नहीं रहेंगे, मतलब कि बैठ के गप लड़ाना या खाना, मतलब पीते पीते गप बातचीत करेंगे, नहीं तो पीते पीते मस्ती मजाक करेंगे, कुछ ना कुछ इस तरह ये लोग करते रहते हैं, मतलब कभी भी आराम से और शांति से बैठेंगे नहीं। अरे बहन जो क्या क्या बड़ा भयानक चीज़ आ रहा हूँ, खोर चीज़ था। अब चलते हैं बंदे के पास। सो गाइस यहाँ देख सकते हो दोनों बंदा मछली मार रहा है, इधर भी देखो एक और है, इसको फेंका है, अब देखते हैं कोई मछली फंसती है कि नहीं, अंदर जाके देखते हो डीप करते हैं, दिखते नहीं रही है मछली, लेकिन एक चीज़ सही करता है देखो कि मतलब अपना मछली मार रहा है पी रहा है, और इधर भी मस्त मछली मार रहा है, उसके बाद देखते हैं कि एक भी मछली फंसती कि नहीं, अभी तार तो उधर गई ही है इसकी। गाइस देखो मछली मारने के लिए इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे यूज़ करता है जो फंसाता है, जैसे अपने यहाँ दूस वो दाना वगैरह डालते हैं तो यहाँ भी दाना डालने के लिए चीज़ रखे हुए बुदला देखो
ये सामान सारा रखा हुआ है, स्ट्रिंग वगैरह, और इसमें दाना भी रखा हुआ है कि ये दाना डाल के, ओ नहीं ये हुक है, हुक लगा के फंसाएगा। इसमें कुछ खाने का रखा हुआ है कि मतलब उसमें डाल देगा और खाने के लिए। देखो गंदा कर रहा है अभी। फंसा दिया इसको और अब इसको फेंकेगा। यहाँ से किया स्टार्ट स्लाइडिंग। ओहो देखो वहाँ जहाँ पे पानी का फव्वारा खुल रहा वहीं पे जाके गिरा है। इस बेचारा इसका फंस गया है ये मछली उसमें। इसका फंस गया इसमें, बेचारा निकल नहीं पा रहा है। तो ये बंदा जूता खोल के अब जा रहा है उसका ये तार निकालने के लिए। नहीं निकालेगा तार तो क्या होगा, खराब मतलब ये टूट जाएगा तो फिर पूरा इसका रस्सी इसको बदलना पड़ जाएगा, इसको फिर नुकसान हो जाएगा निकालने का। तो फिर अभी जाएगा ये निकालने के लिए। सो गाइस ये बंदा सच में चला गया, ठंडा है पानी उसके बावजूद भी। कपड़ा फंस गया था गाइस। Теперь я одна риба. Плюс one fish. फिर उसके बाद एक उंगली से पकड़ के रखना, फिर उसके बाद पीछे लिए और फिर उसके बाद कस के फेंकना। अरे तेरे को फंस ना जाए। Let's go. सो गाइज वहाँ पे तो बहुत मज़ा आया था, लेकिन बट क्या हुआ कि मेरा मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया था, तो इसकी वजह से हमने नहीं वीडियो पूरा शूट कर पाया। तो अभी क्या हुआ, रूम आए और फिर पानी ख़त्म है तो जाते पहले पानी भर के लाते, फिर उसके बाद खिचड़ी तो ज़्यादा बन गया था तो इसी वजह से रात में खाना बनाने का टेंशन है नहीं, खिचड़ी से ही काम चल जाएगी। तो चलते अभी पानी ले कर आते पहले।